अभी अध्यक्ष जी हमें बता रहे थे कि भारत एक प्राचीन इस प्रकार का राष्ट्र है, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमने हमारे इतिहास के कुछ पन्ने डिलीट कर दिए, और विशेष रूप से मैकॉले और उसके बाद आजादी के बाद कुछ मैकॉले के पुत्र ये भारत में छूट गए, और उन्होंने भी जो हमारे स्वर्णिम पन्ने हैं उनको हमारे इतिहास से डिलीट किया, और हमें ऐसा लगा कि हमारा इतिहास तो केवल मुगलों का इतिहास है। जो हमारा एक स्वर्णिम इतिहास था, जो भारत एक समय दुनिया की जीडीपी में 25-30% अपनी हिस्सेदारी रखता था, जो भारत दुनिया को विचार भी देता था और शिक्षा भी देता था, दुनिया के सर्वोत्तम शिक्षा संस्थान जिस भारत में थे और जिसकी परंपराएं इस प्रकार की थी कि जिसके कारण दुनिया में इस देश का एक वजूद था, उस भारत की स्वर्णिम परंपराओं को हमने भुला दिया। मैं ये नहीं कहता कि हमारा पूरा इतिहास ये स्वर्णिम है, ऐसी चीजें हमारे इतिहास में भी आई कि जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जिसमें हम भी शर्मसार होते, लेकिन ऐसी ही चीजों को बताकर हमको ये बताया गया कि यही आपका इतिहास है जिससे आपको शर्मसार होना है, और जो हमारा असली इतिहास था, जो हमारे तेज का, हमारे विजय का इतिहास था, उससे हमको हमेशा दूर रखा गया। आज जब साइंस बहुत तरक्की कर रहा है तो ये ध्यान में आता है कि दुनिया की ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन अगर कोई है तो भारत है। हम लोग कई बार ग्रीक की, रोम की, बेबीलोनिया की, अलग अलग सिविलाइजेशंस के बारे में कहते हैं, इनमें से कोई भी सभ्यता ये 3000-4000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन भारत की सभ्यता का अगर हम विचार करें तो भारत की सभ्यता आज जिस प्रकार के हमारे अलग अलग प्रकार से हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल रही है, चाहे राखीगढ़ी की हो, चाहे वीरान्ना की हो, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 9,000-10,000 साल पहले भी पूर्ण रूप से विकसित, जहां पर शहरों की रचना थी, जहां पर स्थापत्य शास्त्र का नमूना ये शहरों में देखने को मिलता था, एक प्रकार से संपूर्ण विकसित अवस्था में 10,000 साल पहले भी हमारी सभ्यता मौजूद थी, तो दुनिया की सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई और 10,000 साल तक हमारी सभ्यता समाप्त नहीं हो पाई, इसका मतलब हमारी सभ्यता में, हमारे विचारों में और हमारे मूल्यों में कोई तो ऐसी बात थी, कोई तो ऐसी शाश्वतता थी कि जिसके कारण ये सभ्यता टिकी, ये सभ्यता समाप्त नहीं हो पाई, और सारे आक्रमणों के बावजूद आज भी ये सभ्यता पूरी शान के साथ खड़ी है। तो इसका कोई ना कोई ऐसा कारण होगा। आज हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी हमारी सभ्यता में हजारों वर्षों से रही है, और इसी सस्टेनेबिलिटी ने हमारी सभ्यता को जीवित भी रखा है। आज हम लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से संशोधन हो रहा है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि एक नया इतिहास अब लोगों के सामने हमको लाना होगा। ये इतिहास जो सचमुच हम सबको एक तेजस्विता देता है, जो हम सबको एक वजूद देता है, इस प्रकार का ये इतिहास हमारे सामने लाना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी शुरुआत आज हुई है।